नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर ने भारत को सराहा, बोले पीएम मोदी इस पुरस्कार के मजबूत दावेदार। अधीर रंजन का केंद्र सरकार पर हमला, कहा राहुल गांधी का सिर झुकाने की हिम्मत सरकार में नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, कहा 3 साल में पंजाब को पार कर जाएगी असम की जीडीपी। महुआ मोइत्रा का लोकसभा स्पीकर पर गंभीर आरोप, बोली हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, लोकतंत्र पर हमला। अमृता फडणवीस ने फीमेल डिजाइनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, बोली उसने मुझे 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की पेशकश की थी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर उन्नाव से है, जहां 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का यूपी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने डीएम अपूर्वा दुबे के साथ मिलेट्स महोत्सव में लगी प्रदर्शनी को देखकर किसानों का हौसला बढ़ाया। वहीं मोटे अनाज की प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को उन्नति खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने 4 उन्नतिशील किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी और 22 किसानों का सम्मान किया। कृषि मंत्री ने एक सवाल के जवाब में आवारा जानवरों पर कहा कि मैंने किसानों से कहा कि वह उन्हें अपने खूंटों से बांधें, गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल अपने खेतों पर करें। कृषि मंत्री किसानों को नसीहत देते हुए गौवंश आश्रय स्थलों की दुर्दशा चुप्पी साध गए। आज उन्नाव में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस साल पूरे दुनिया के भीतर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है। भारत के भीतर मिलेट्स जो मोटे अनाज के रूप में जाना जाता था, भारत सरकार ने उसका नाम श्री अन्न के रूप में रखा है। श्री अन्न मतलब जो हमें लक्ष्मी देने वाला है, जो हमारी आमदनी को बढ़ाने वाला है, और इसीलिए धान गेहूं की तुलना में मिलेट्स का जो श्री अन्न के भीतर जो अनाज आते हैं उनकी MSP ज़्यादा बढ़ा करके रखी गई है। LDA की जनता अदालत में OSD द्वारा 70 साल के बुजुर्ग को थप्पड़ मारने के मामले में लखनऊ जनकल्याण महासमिति की बैठक हुई। बैठक के बाद महासमिति के अध्यक्ष उमा शंकर ने कहा कि आवंटियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में हस्तक्षेप के लिए लखनऊ जनकल्याण महासमिति की टीम प्रमुख सचिव आवास मंडलायुक्त सहित सभी उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देगी, क्योंकि LDA के व्यवहार से आवंटियों में दहशत बनी हुई है। इस हालत में कोई भी आवंटी LDA में अपनी शिकायत लेकर जाने से डरेगा। बता दें कि बैठक में महासमिति के अध्यक्ष उमा शंकर दुबे, उपाध्यक्ष विवेक शर्मा, महासचिव राजकुमार यादव और सचिव समय विजय सिंह मौजूद थे। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, LDA की जनसुनवाई में बुजुर्ग से बदसलूकी की गई थी, जिसमें प्राधिकरण के अफसर पर थप्पड़ मारने का आरोप है, वहीं इसको लेकर बैठक की गई, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी मयूरी, आपको बता दूं कि कल जनता अदालत के दौरान में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था। बुजुर्ग ने एक OSD को पर एक मारपीट करने का एक आरोप भी लगाया था, जिसको लेकर के लखनऊ जनकल्याण महासमिति की एक बैठक बुलाई गई आनंद फानंद में। उसके बाद उस बैठक में उस जो महासमिति के जो पदाधिकारी थे वो इकट्ठा होते हैं। महासमिति के जो अध्यक्ष उमा शंकर, उन्होंने कहा है कि इस तरीके का जो दुर्व्यवहार किया गया है बुजुर्ग के साथ, आवंटियों के साथ, उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं मंडलायुक्त से आज मुलाकात करेंगे और उसके बाद उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और फिर इससे न्याय की गुहार लगाएंगे कि जिस तरीके से आवंटियों को इस तरह से पीटा जा रहा, तो कहीं ना कहीं और आवंटियों में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल अगर कोई भी आवंटी अगर LDA में जाता है अपनी शिकायत लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं अपनी शिकायत के निस्तारण के लिए पहुंचता है और जबकि वहां से उसको मुक्के खाके वापस आने पड़ते हैं। तो इस समस्या को लेकर के महासमिति ने एक बड़ी बैठक की है। अब इस बैठक में इसके अध्यक्ष उमा शंकर दुबे और
अध्यक्ष विवेक शर्मा सहित सचिव समर विजय सिंह साथ में रहे मौजूद। अब ये सभी लोग मिल करके इनका एक डेलीगेट होगा, वो मंडल आयुक्त से आज मुलाकात करेगा। मुलाकात करने के बाद एलडीए के अफसरों के ऊपर कार्रवाई करने की पूरी तरीके से मांग करेगा। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। औरैया में बिजली विभाग के कर्मचारी 14 मांगों को लेकर 3 दिन के धरना प्रदर्शन पर हैं। इस दौरान जिला अधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह संविदा कर्मचारी को हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग की तरफ से बिजली बाधित करने को लेकर संविदा कर्मचारी को पहले तो SDM ने कहा कि तमीज नहीं है, DM साहब है, कैसे बात कर रहे हो। उसके बाद जिला अधिकारी ने हड़काते हुए कहा कि अभी गाड़ दूंगा। वीडियो वायरल होने के बाद इस बार फिर जिलाधिकारी चर्चा में आ चुके हैं। इससे पहले जिलाधिकारी का एक वीडियो और वायरल हुआ था, जिसमें वह दुकानदार को हड़काते हुए यह कहते नजर आए थे कि पूरे खानदान को जेल भिजवा दूंगा। अलीगढ़ विद्युत कर्मचारी पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री सलाहकार और पावर कॉरपोरेशन के MD के बीच हुए 14 सूत्री मांगों के समझौतों को नहीं माने जाने के विरोध में लाल डिग्गी पर धरने पर बैठे विद्युत कर्मचारियों की रात्रि 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल के मुद्दे नजर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए NTPC के अभियंताओं को बुला लिया गया है। साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि हड़ताल के दौरान विद्युत कर्मियों या किसी पदाधिकारी का उत्पीड़न किया गया तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन के रूप में बदल दिया जाएगा। चला गया था मशाल जुलूस 3 दिसंबर लिखित समझौते के क्रियान्वयन के लिए, जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी का और हमारे CM साहब श्री अवनीश अवस्थी के सलाहकार जो हैं CM साहब के, तो लिखित समझौता हुआ था, लेकिन उसका क्रियान्वयन ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। कल भी हम लोग कार बहिष्कार पे थे, आज भी कार बहिष्कार पे हैं, और आज जो है 16 तारीख आज है, रात 10 बजे से जनरेशन और ट्रांसमिशन की जो हमारी शिफ्ट होती है, पाली होती है, वो भी आज हड़ताल में शामिल हो जाएंगी। स्ट्राइक जारी नहीं है, आज रात 10 बजे से स्ट्राइक 72 घंटे की जारी होगी। हम लोगों की अभी अनिश्चितकालीन स्ट्राइक का नोटिस नहीं है, ये 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का नोटिस है। और 72 घंटे की जो हड़ताल होगी उस दौरान अगर किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या हमारे संविदा के साथी के साथ कोई भी उत्पीड़न की कार्रवाई की जाती है तो ये जो स्ट्राइक है वो अनिश्चितकालीन में भी बदल जाएगी और सामूहिक जेल भरो आंदोलन में भी बदल जाएगी। कोई वार्ता नहीं हो पा रही है? हमारी नहीं, वार्ता हुई है जब से नोटिस दिया है। अभी पिछले 2-3 दिन में माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ 3 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो लगातार केवल और केवल समय मांग रहे हैं। जो समझौता हो चुका है उस समझौते पे हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में कार की छत पर बैठकर दो युवकों के स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक कार की छत पर बैठकर हाईवे पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान में लेकर 3,000 रुपए का चालान काट दिया है। बता दें कि ये वीडियो 8 मार्च यानी होली के दिन का बताया जा रहा है। ASP पूर्वी नीपेंद्र ने बताया कि दो युवकों के कार की छत पर बैठ कर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि शहर कोतवाली के 52 रोड का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार के अंटा चौराहा, पंखी व सदर चौराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान SP सिटी सुधीर जायसवाल ने बताया कि आगामी रमजान और नवरात्रि को लेकर थाना सदर बाजार पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिकों से आगामी त्योहारों को आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के साथ सदर बाजार पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर वाहनों पर लगे प्रेशर हॉर्न के खिलाफ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहन की चेकिंग कर नियमानुसार कानून कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए। ये आगामी नवरात्र, रामनवमी और रमजान के त्यौहार को लेकर सभी वर्गों के और व्यापारी वर्गों की बैठक यहाँ बुलाई गई थी थाना बाजार पर।
इसी त्यौहार तैयारियों को लेकर बात की गई और क्या क्या अपेक्षाएँ उनकी पुलिस से बात की गई। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रश्न उठाया कि यहाँ पर वॉइस पोल्यूशन काफ़ी हो रहा है, जो मोटरसाइकिलें चल रही तेज आवाज़ में और प्रेशर हारने का उनको आश्वस्त किया गया। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस का विशेष अभियान चलाया जाएगा। जो भी इस तरह नियमों को तोड़ रहे हैं, प्रेशर हॉर्न लगा रखा है, मानस अधिक ध्वनि विस्तारक है, तो उनके खिलाफ नियमों से चलान और सीजर कार्रवाई की जाएगी। सर सुनने में आ रहा है रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ के दोनों पैर कट गए, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों की सूचना पर जीआरपी और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायल को उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां घायल का प्राथमिक उपचार कर डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें कि मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के हर नारायण इंटर कॉलेज के पास का है। शायद भाई अभी यहाँ एक हादसा हुआ है, ट्रेन से कैसे हुआ हादसा? अभी 9:20 पे समथिंग यहाँ से मालगाड़ी भी यहाँ से गुजरी थी और वहाँ पे एक खुजनपुर ग्राम सभा के शकील अहमद हैं, जो पल्लेदारी करते थे, और हारून नाम है उनका, और वो जो है उनका पैर दोनों कट गया है। हम लोगों ने यहाँ पे सूचना दी, एम्बुलेंस आई हुई है, एम्बुलेंस लेके अब सीएससी लेके जीआरपी आई थी। हाँ जीआरपी आई है, वो अपना काम पूरी और यहाँ से अभी वो जिंदे हैं और यहाँ से लेके गए हुए हैं। जी हाँ। तो हालत कैसी है उनकी? हालत तो बहुत ही गंभीर दिख रही है, नाजुक है, लेकिन ये है कि ऊपर वाला। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।